राजकुमार हुआ। राजकुमार है, कौन से जिले से? मैं सारण जिला का रहने वाला हूँ। सारण जिले से, तो आपने सबसे पहले इंटर कब किया? मैं इंटर 2011 में 2011 में आपने इंटर किया, और शुरुआती सालों में आपने क्या सोचा, क्या करने के लिए? मैंने इंटर करने के बाद सोचा कि क्यों ना कंपटीशन की तैयारी की जाए, जो कि जनरल बच्चे सोचते हैं। मैंने वैसा सोचा और किया भी। मैं इंटर करने के बाद फर्स्ट जो फॉर्म आया था IBPS का, इंटर लेवल का आया था, जो उसमें मैं फॉर्म भरा और उसका एग्जाम भी हुआ। एग्जाम मेरा पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में जो सेंट्रल ग्रेजुएट स्कूल है, उसमें मेरा एग्जाम पड़ा। अच्छा, उसके बाद उसका रिजल्ट आया? रिजल्ट तो नहीं आया, मगर उससे मेरा कॉन्फिडेंस बना, जो कि मेरा पहला एग्जाम था। हाँ, शुरुआती में अनुभव ही आता है, उसके बाद अनुभव होने के बाद एग्जाम भी निकलते हैं। उसके बाद आपने कौन से फॉर्म को भरा? उसके बाद 2-3 सालों तक मैंने तैयारी की और BSSC का फॉर्म आया, मैंने उसको डाला। कब आया था ये फॉर्म? ये 2014 में आया था। 2014 में आया, ठीक। उसके बाद एग्जाम हुआ, आपने दिया? मैंने एग्जाम दिया। तो फिर आपका एग्जाम हुआ PT के लेकर, उसके बाद क्या हुआ? PT के लेकर एग्जाम हुआ, उसके बाद कैंसिल कर दिया। कैंसिल हुआ, हाँ। एग्जाम जो शुरुआत एग्जाम हुआ, शुरू के 2-3 चरण ही एग्जाम हुआ था, उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन लीक के कारण कैंसिल कर दिया गया। वापस फिर से एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद आपने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई किया ये तो है, मगर उसके बाद आपने मेंस भी दिया। मेंस भी दिया, मेंस के बाद आपका रिजल्ट आया है? मेंस में आया है, 104 नंबर आया है मेरा मेंस में। आप कौन से कैटेगरी से? EBC है मेरा कैटेगरी, EBC से, और आपका 104 नंबर है EBC से, तो आपका मेरिट भी बनाया जा सकता है, बन सकता है। तो उसके बाद आपने बताया कि जो आपका वीडियो मैंने दिखाया हूँ, उसमें आपने अपने परिवार के साथ एक आत्मनिर्भर होकर एक बिजनेस को खोला है, ये खोलने का क्या मकसद था? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा परिवार का जो आर्थिक स्थिति था बहुत ही बुरा था। मतलब ये पहले से ही था कि ये बाद में हुआ? ये मेरा जो पढ़ाई चल रहा था, मेरे पिताजी के कुछ कमाई की वजह से चल रहा था, मैं कमा भी रहा था और अपना पढ़ाई भी कर रहा था, उसी दरमियान ये चल रहा था। मगर अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से हमको ये सब करना पड़ा, यानी कि पढ़ाई के रास्ते छोड़कर हमको बिजनेस के लाइन में आना पड़ा। अपना आर्थिक स्थिति इतना मेरा दयनीय हो गया था कि मैं अपना पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। अब भावुक भावुक थोड़ा कम हुई है, हमको भी भावुक कर दे रहे हैं, भावुक कम हुई है, सिचुएशन ही ऐसा है, क्या करें। मतलब नहीं, बीच में लॉकडाउन भी हुआ, जिसके कारण से लोगों को एक एक दिन का पैसा जुटाने में बहुत परेशानी हो रहा था। लॉकडाउन में मेरा तो स्थिति बहुत ही बुरा हो गया था, खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे तैसे कर मैं अपना गुजारा चला रहा था अपने परिवार का और मैं अपना। उस समय पढ़ाई का मेरा कोई नामो निशान नहीं था कि मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा, मैं सोचने लगा कि आगे क्या होगा नहीं होगा, ये कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा, मैं काफ़ी परेशानी में आ गया। मुझे लग रहा था कि ये जाएगा ही नहीं, मगर दुख आता है तो जाता ज़रूर है, इसी पर मैं निर्भर हूँ कि जाएगा एक दिन। अगर देखिए फिलहाल मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर सही समय पर अगर BSSC ने, अगर इंटर लेवल BSSC ने अगर सभी बच्चों को नौकरी दे देता, मीट बना कर लोगों को दे देता, तो आज ये भी हो सके, इनका भी नंबर अच्छा नंबर है, हो सके तो ये ज्वाइन कर जाते। अगर ये समय पर अगर ये ज्वाइनिंग अगर ले लेते, मेरा स्थिति आज ये नहीं रहता, नहीं रहता। मेरा परिवार और मैं काफ़ी खुशहाल रहता, ऐसा बात नहीं है। मैं मेरा जो स्थिति आज का ये स्थिति नहीं रहता, ये जो स्थिति बना हुआ है आयोग के ही द्वारा बना हुआ है। अगर आयोग चाहता तो ये मेरा स्थिति नहीं बनता। ऐसे कितने ही छात्र हैं जो कि कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि रोड पर अभी ठेला लगा कर सब्जी वगैरह वगैरह बेच रहे हैं अपना, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि विदेश चले गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आयोग से कि आयोग जो भी है, मतलब कि पूरी तरह फाइनल करवा कर बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दे, मैं आयोग का आभारी रहूँगा।
बिहार से इंटेल बदल चौदह का फॉर्म भरने के बाद कोई उसके बाद भी फॉर्म को भरा? मैंने रेलवे और जो हमारे सारण जिला का जो फॉर्म निकला था कार्यपालक सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मैंने उसका फॉर्म फिलअप किया था। और वहाँ पे आपका रिजल्ट आया था? मेरा भी वहाँ रिजल्ट आया था और मैं टाइपिंग भी निकाला था, मगर वहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। मैं क्या कहूँ, मैं अपने तकदीर का दोष दूँ या प्रशासन का दोष दूँ? आपका कोई गलती नहीं है। आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से एक आयोग की गलती के कारण से एक लड़का जो कि मेधावी लड़का है और आयोग की गलती से अभी तक कहीं पर ज्वाइन नहीं हो पाया। तो मैं आयोग से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द छात्रों को काउंसलिंग करा के और छात्रों को मेट बना के ज्वाइनिंग किया जाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।